नमस्कार, जी मीडिया की मुहिम भारत भाग्य विधाता के शो इंडिया का एजेंडा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो आपको चौंका देगा। क्या आप मानेंगे किसी घर की खासियत यह भी हो सकती है कि वो एक खास धर्म के आदमी को नहीं बेचा जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ मुंबई में, जहां एक घर के लिए दिए गए विज्ञापन में यह लिखा गया कि खास धर्म के लोगों के लिए यह घर नहीं है। आज हम इंडिया का एजेंडा में यही मुद्दा उठा रहे हैं। क्या घरों के धर्म होते हैं? क्या धार्मिक भेदभाव की जड़ें हमारे देश में इतनी गहरी हो गई हैं? हमारे साथ हैं खास मेहमान, इस पूरे मामले को सामने लाने वाले शहजाद पूनावाला। स्वागत है शहजाद आपका हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ हैं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला दिल्ली से। इसके अलावा राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद यानी नरेडको के अध्यक्ष नवीन रहेजा हमारे साथ हैं। इसके अलावा लखनऊ से हमारे साथ हैं मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, और मुंबई से हमारे साथ हैं शिवसेना के नेता प्रेम शुक्ला। तो सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। मुंबई में एक फ्लैट के विज्ञापन में तमाम खूबियों के साथ साथ यह भी लिखा गया कि यह फ्लैट मुस्लिमों के लिए नहीं। यह खबर सामने आने के बाद आनन फानन में विज्ञापन तो हटा लिया गया, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है। इस इश्तिहार का मतलब ये है कि अगर आप मुंबई के दादर इलाके में 1060 स्क्वायर फीट का ये घर खरीदना चाहते हैं, तो शर्त ये है कि आपकी जेब में होने चाहिए 3 करोड़, और साथ ही ये भी कि आप मुस्लिम ना हो। चौंकिए मत, ये सच है। आपके पास भले ही कितने पैसे हो, आपको घर की कितनी ही जरूरत हो, लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो आप इस घर को नहीं खरीद सकते। कानून इसकी इजाज़त ना देता हो, लेकिन कम से कम ये इश्तिहार तो यही कह रहा है। पैसा भले आपके पास भी हो, मेरे पास भी हो, मगर अगर आपका धर्म, आप सही धर्म वाले हैं कोट एंड कोट, तो आपको जगह मिल जाएगी, और अगर गलत धर्म वाले हैं तो नहीं मिलेगी। तो ये चाहे हिंदू समाज में हो, चाहे मुस्लिम समाज में हो, किसी समाज में हो, ये बहुत ही दुखद बात है। ये इश्तिहार एक प्रॉपर्टी डीलर ने 27 अक्टूबर को दिया था, लेकिन मामला सामने आने के बाद इसे हटा दिया गया। फिलहाल इस मामले में प्रॉपर्टी डीलर, फ्लैट बेचने वाले शख्स और वेबसाइट के खिलाफ अल्पसंख्यक आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस एड का कहना केवल इतना है कि आप इस देश से प्यार कर सकते हो, आप इस देश में आमदनी कमा सकते हो, आपके पास शायद इस रेंट पर लेने के लिए पैसे भी हो, पर आपको मकान नहीं मिलेगा क्योंकि आप मुसलमान हो। माना जाता है कि मुंबई के कई इलाके ऐसे हैं जिनमें खास समुदाय के लोग ही घर खरीद सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या 21वीं सदी का भारत यही है? क्या लोग आज भी जात पात, धर्म जैसी चीजों की जंजीर में बंधे हैं? आज भारत भले ही चांद और मंगल ग्रह तक अपनी पहुंच रखता हो, लेकिन मुंबई में अगर मनपसंद घर चाहिए तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए खूब सारा पैसा और जाति या धर्म। तो जैसा हमने आपको पहले बताया, हमारे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। खबर मुंबई से है, तो सबसे पहले हम आपको मुंबई लेकर चलते हैं। हमारे साथ शिवसेना के नेता प्रेम शुक्ला हैं। प्रेम शुक्ला जी, मुंबई तो ऐसी ना थी कभी, मुंबई का तो धर्म नहीं था, कहते थे कॉस्मोपॉलिटन शहर है, लेकिन अब घर के लिए भी शर्त रख दी जा रही है कि आपको खरीदना है तो आप मुसलमान नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है मुंबई का कॉस्मोपॉलिटन चेहरे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है, किंतु मुंबई शहर को अगर आप ठीक से जानेंगे तो मुंबई शहर में पारसी कॉलोनी है, सारे पारसी जो हैं वो पारसी कॉलोनी में रहते हैं। मुंबई शहर में हिंदू कॉलोनी है, मुंबई शहर में मिल्लत नगर है जहां अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, मुंबई शहर में आपको जैनों की अपनी सोसाइटी मिल जाएगी। और इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि जैन समुदाय के लोग हैं या जो शाकाहार करने वाले लोग हैं, शाकाहार करने वाले लालबाग में यह मामला बारंबार आया है कि शाकाहारी जो जैन समुदाय के लोग हैं वो दूसरे किसी समुदाय के लोगों को अपने फ्लैट नहीं बेचते हैं। क्यों नहीं बेचते? तो उसका एक बड़ा कारण है कि उनका आहार शाकाहार है, अगर उनके बगल में कोई मांसाहार करने वाला बसेगा तो निश्चित तौर पर उनको कष्ट होगा उससे। इस कारण से कई बार समुदाय जो है उनके, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई मुस्लिमों का विरोध कर रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं कि वो धर्मांध है। जैन समुदाय कभी धर्मांध नहीं रहा है, लेकिन जैन समुदाय के लोग कभी भी जैन समुदाय के अलावा और किसी अन्य समुदाय के लोगों को अपना फ्लैट नहीं बेचते हैं। गुजराती समाज के लोग, गुजराती समाज के लोगों को फ्लैट बेचना जो है अपने लिए अच्छा समझते हैं, वो बेहतर काम करते हैं। तो
इसमें कोई आपको लगता है ये लिखना जायज है नो मुस्लिम, इसको तिल का तार बनाने लिखना जायज है कि मुसलमान को नहीं देंगे? लोगों के रहन सहन और नहीं, अगर मान लीजिए मुस्लिम समुदाय के लोगों का रहन सहन खान पान, बगल में रहने वाले जैन समुदाय या शाकाहारी भोजन करने वाले जो हमारे यहाँ के पुष्टमार्गी वैष्णव हैं, पुष्टमार्गी वैष्णव समुदाय का व्यक्ति होगा, ये तो नॉन वेजिटेरियन को नहीं देंगे, लिखने से भी काम चल सकता है ना? अगर सामिश भोजन बना रहा होगा तो उसको बेहद कष्ट होगा। चौधरी जी, इसको इसमें जो है उनके रहन सहन को लेकर, खान पान को लेकर जो भेद है उसके कारण इस तरह की बातें होती है। मेरा सवाल सीधा सा है शुक्ला जी, वो किसी अगर नॉन वेजिटेरियन को नहीं देंगे ऐसा लिखने से भी तो काम चल सकता था ना? समुदाय के लोगों को भी नहीं देते फ्लैट? नहीं, उसमें लिखने के मामले में हो सकता कोई दोष हुआ हो, लेकिन उसका दोष धर्मांधता फैलाना नहीं है। इसको तिल का ताड़ बनाकर जो इस तरह से प्रयास किया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को अलग निगाह से देखा जा रहा है या मुस्लिम समुदाय के लोगों के प्रति लोगों के मन में मुंबई में नफरत फैल गई है, ऐसा कोई भाव नहीं है। फिर मिल्लत नगर में सिर्फ मुसलमानों क्यों बेच रहे हैं आप? फिर खोजा लोगों की इमारतों में सिर्फ खोजा समुदाय के लोगों को क्यों बेचा जा रहा है फ्लैट? फिर चलिए, मैं देखिए आपकी बात को मैं आगे लाता हूँ, मैं आपकी बात को आगे रखता हूँ ना। शहजाद मेरे साथ हैं, शहजाद मेरे साथ हैं जिन्होंने ये शिकायत की है। आप कह रहे हैं तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, आप तिल का ताड़ बना रहे हैं? देखिए, जहां तक ये एड है, इस एड में लिखा गया है कि बाकी सब चलेंगे, मुसलमान नहीं चलेंगे। और जो बात ये कह रहे हैं, इनका वो पारसी कॉलोनी या मुसलमान कॉलोनी, उसमें कहते हैं कि हम पारसी हैं और कोई नहीं चलेगा। हालांकि प्रिंसिपल मेरा जो है, मैं एज माय ओन सेल्फ, मैं किसी से भी अग्री नहीं करता। मैं तो समझता हूँ कि दोनों गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक को रजामंदी दी है कि आप पारसी कॉलोनी कर सकते हो, मुसलमान कॉलोनी कर सकते हो, ये किस्सा है, अलग है। इसमें आप कह रहे हो कि और कोई भी चलेगा, मुसलमान नहीं चलेगा। हालांकि मैं दोनों से ही डिसएग्री करता हूं, और इसके पीछे जो रीज़न है वो मैं आगे बताऊंगा। पर मैं शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं उनको एक चीज़ कहना चाहता हूं। मुंबई में ये प्रॉब्लम तब से शुरू हुई जब से इनकी पार्टी पावर में आई। मैं राजनीतिकरण नहीं कर रहा, पर मैं एक सोच जो पैदा हुई वहां की बता रहा हूँ। नाम में तो प्रेम आ गया, पर इनकी जो पॉलिटिक्स है और जो इनकी सोशल पॉलिसी है, इसमें प्रेम नहीं है। और इसके मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब ये कह रहे हैं शाकाहारी है और इसलिए डिस्क्रिमिनेशन है, मुसलमान मांसाहारी है। यही कोई मराठी मानुस होगा और वो मांसाहारी होगा और उसको घर नहीं मिलेगा जैन कॉलोनी में, तो ये लोग हल्ला करेंगे ना मराठी के लिए, पर मुसलमान को नहीं मिलेगा तो वो नहीं करेंगे। तो ये इनका डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज करता है। जो लोगों ने मराठी और नॉन मराठी के नाम पे राजनीति की, आप उनसे ये सवाल पूछ रहे हो तो थोड़ा सा मजाक क्या ही लग रहा है। हम उनका जवाब उनका कमेंट इस पर लें, लेकिन उसके पहले वजाहत हबीबुल्ला साहब हमारे साथ हैं। आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं हबीबुल्ला साहब, आपको लगता है कि ये मामला बेवजह तूल दिया जा रहा है, तिल का ताड़ बन रहा है? नहीं, बात यह है कि ये बेवकूफी का एक इश्तिहार है, ये संविधान के विरुद्ध है, और हमें देखना होगा कि इसमें हम क्या कार्रवाई करेंगे। किंतु ये बात है कि ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है। पहले जब मैंने देखा तो मैं हंसने लगा कि ऐसा गधा कौन हो सकता है जो इस प्रकार का इश्तिहार दे, क्योंकि हर भारतवर्ष हर भारतवासी के लिए है। और उसमें अगर आप कोई विशेषता रखना चाहते हैं अपने अपने अपनी प्रॉपर्टी को बेचने में, तो वो विशेषता अवश्य रखिए, लेकिन एक समुदाय को अलग करना, ये तो बेवकूफ़ी है। और ये बहुत ऑफेंसिव बात है। जिन लोगों को तलाश है इस किस्म की चीज़, अगर उनको कहा जाए कि आप क्योंकि मुसलमान हैं, क्योंकि आपका धर्म कुछ है, ये अगर आप कहा जाए कि आप वेजिटेरियन हैं या नहीं हैं, तो और बात है। बहुत सारे मुसलमान वेजिटेरियन हैं, मेरी अपनी पत्नी वेजिटेरियन है। तो उसमें अगर आप ये चाहते हैं कि शाकाहारी ही वहाँ हो, तो ये आप कह सकते हैं। किंतु ये कहना कि कोई एक समुदाय है जिसको अलग कर दिया जाए, तो ये मेरे ख्याल में ये ऑफेंसिव बात है, और ये हमारे संविधान के विरुद्ध है। नवीन रहेजा, किसको जिम्मेदार माने, ऐड देने वाले को कि ऐड छापने वाले को? हो गया नवीन रहेजा साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद नवीन रहेजा तक हमारी आवाज नहीं जा रही, लेकिन मौलाना साहब हमारे साथ हैं, खालिद रशीद फिरंगी महली लखनऊ से जुड़े हुए हमारे साथ। फिरंगी महली साहब, किसको जिम्मेदार मानते हैं, ऐड देने वाले को कि ऐड छापने वाले को? इसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं, और जो पूरा ये इश्यू है ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। इसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं,
और ये हमारे मुल्क के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी गलत है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इस किस्म का कोई तफरीक नहीं की गई है, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो हम ये समझते हैं ये जो इश्यू उठाया जा रहा है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का, उसमें भी जिसके यहाँ नॉन वेज पकता है ऐसे नहीं कि वो दूसरे फ्लैट में जा करके खाना खाने लगता है या दूसरे फ्लैट में जाके खाना पकाता है, बल्कि अपने ही फ्लैट में पकाता है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो पूरा इश्यू है ये कहीं ना कहीं एक जो खास किस्म की जहनियत एक पर्टिकुलर सेक्शन में परवान चढ़ रही है, ये उसकी जीती जागती मिसाल है। जरूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट अगर इसमें बुनियादी तौर पर शुरू ही में एक्शन ले ले तो आगे कम से कम ये बीमारी ना फैल पाए, इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारा मुल्क अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है उस पर कहीं ना कहीं ये काला धब्बा है जिसको कि साफ करने और मिटाने की जरूरत है। बाल ठाकरे जी, माननीय बाल ठाकरे जी को हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, तो हिंदू हृदय सम्राट कॉन्स्टिट्यूशन की बात छोड़ दो, लॉ की बात छोड़ दो, 672 महाउपनिषद, उसमें उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम जो आपके ऑफिस के बाहर भी लगा है वो तो देखा होगा, उसके पीछे क्या लिखा है शायद उन्होंने नहीं देखा है। उसमें कोई राइडर नहीं है कि फैमिली होने के लिए नॉन वेज और वेज का है, पर उसमें ये लिखा है कि जो आदमी दूसरे को भाई और तीसरे को पराया कहता है वो संकीर्ण वृत्ति वाला है, और जो महान आदमी है वो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। तो यही लॉजिक को जो आप लोग कहते हो, आप हिंदुओं के सम्राट हो, हिंदुओं के नेता हो, तो आप हिंदू श्लोक को मान के ये डिस्क्रिमिनेशन को बंद करो, और ये जैन जो कर रहे हैं वो भी गलत है, और बाकी मुसलमान भी अगर ये कर रहा है हिंदू को ना बोल रहा है तो वो भी गलत है। बोलिए प्रेम शुक्ला। मैं निश्चित तौर पर आपका बड़ा स्वागत करता हूँ। शिवसेना प्रमुख बहुत स्पष्ट कहते थे कि मजहब का पेट का कोई मजहब नहीं होता। हम तो बारंबार आपसे कह रहे हैं कि संविधान को आप सबसे बड़ी धर्म ग्रंथ तो मान लीजिए, औरंगजेब की औलाद क्यों कहते हो आप? बंद कर दीजिए, समान नागरिक कानून ले आइए। तो उसके समय औरंगजेब की औलाद कौन कहता है? मित्र शिवसेना कहती है। उसके समय आप भाग खड़े होते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ, तो आप उसका राजनीतिकरण किए जा रहे हैं। राजनीतिकरण नहीं, आप जिस संस्था से हो, आप जिस संस्था से हो, मेरी बात सुन लीजिए, आप जिस संस्था से हो वो एक संस्था ऐसी है जिसने मुंबई की वातावरण को प्रदूषित किया है, और मैं सारे ऐसे लोगों के खिलाफ हूँ जिसने वातावरण को प्रदूषित किया है, चाहे वो मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन हो, सिमी हो या शिवसेना हो। ये आप लोगों की की गई चीज है। 50 सालों से आप लोगों ने प्रदूषण फैलाया है, और इसीलिए ये आज बात आई है, वरना ये नहीं होता था भारत में। गंगा जमुना तहजीब जो थी बहुत पुरानी है, शिवसेना नहीं थी तब, आप लोगों के चलते ये हुआ है। इसलिए आप लोग जिम्मेदार हैं, और आप लोग बदलिए अपने आप को, अपनी सोच को बदलिए, यही बदलने के लिए हम आए हैं। प्रेम शुक्ला की बात सुनते हैं। आप मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एजेंट बन गए हो, तो मुझे इस चर्चा में फिर कहने के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस को छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। शहजाद प्रेम जी, शहजाद और प्रेम जी, मैं चाहता हूँ हम संविधान का सुविधानुकूल आप जो है व्याख्या कृपया न करें। मैं तो यह कहता हूं, शिवसेना प्रमुख कहते थे आप संविधान को इस देश का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानिए, आप अदालतों में गीता और कुरान पर शपथ खिलाने की बजाय संविधान पर खिलाइए, समान नागरिक कानून मान लीजिए। हम तो कहते हैं कि पेट का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं हैं। आपको लगता है, तब आपको लगता है जिसने ये विज्ञापन दिया और जिसने छापा दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए? बात कर रहा हूं तो आप उसको तिल का ताड़ बना रहे हैं। शुक्ला जी, आपको लगता है जिन्होंने विज्ञापन दिया और छापा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? सोसाइटी में मैं उन पर कानून के अनुसार कार्रवाई तो हो ही रही है, बचा क्या है। लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं मुंबई शहर के, अगर उस पर मैं बात कर लूं तो मुझे आप विभाजनकारी कह दे। मैं जिस सोसाइटी में खुद रहता हूं उसकी बात बता रहा हूं। हम पुष्टमार्गी वैष्णवों की एक सोसाइटी में हमने बहुत सारे लोगों को फ्लैट दिए, दूसरों को भी दिए। आज वहां पर जब बकरीद होती है तो हमारी सोसाइटी के सारे लोगों को बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि उस समुदाय विशेष के लोग ये मान करते हैं कि हम बकरीद तो बकरा वहीं आपके सामने काटेंगे। तब उस समस्या को जो आदमी निरामिष भोजन का करता हो उसको यदि आप उसके सामने बकरा काटेंगे तो उसकी क्या दशा होगी? तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी इस देश में कुछ हैं। संविधान की शब्दशः व्याख्या जो है उसके आधार पर यदि आप चलने बैठ गए। चलिए शुक्ला जी आपने अपनी बात रख दी, संविधान का शुक्ला जी आपने अपनी बात रख दी। अब एक बार वजाहत साहब से पूछते हैं। वजाहत साहब, संविधान की व्याख्या वो है जो कह रहे हैं शुक्ला जी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जिसको वो डिस्कस कर रहे हैं, या फिर आपको अब भी लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति है?
नहीं, मैं देखिए राजनीति में जाना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, ये मेरा काम नहीं है। जो आपने प्रश्न उठाया है कि वो पहली दफ़ा इस प्रकार की चीज़ हुई, ये पहली दफ़ा नहीं हुई है। इस प्रकार की शिकायतें और विशेष तौर से बम्बई से इस प्रकार की शिकायतें आती रहीं। आपको पता है जो शबाना आज़मी आदि जैसे महत्व कलाकार, उन्होंने भी ऐसी शिकायतें की हैं। इस समय क्या हुआ है कि एक साहब को ये इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने एक विज्ञापन में सरासर एक सांप्रदायिक इश्तिहार निकाल दिया, तो ये एक गलत बात है और इस ये संविधान के विरुद्ध है, इसमें कोई प्रश्न तो है नहीं। किंतु ये बात हमें देखनी है, और मैं आपसे ये कहना भी चाहता हूँ कि जो 99 acres के जो CEO आदि हैं वो हमारे पास आए हैं, हमारे अल्पसंख्यक आयोग में आए हैं। उन्होंने कहा कि यूं ही हमें ये पता चल गया इसके बारे में, हमने वो फिर कैंसिल करा दिया, विदड्रॉ करा लिया, और ये ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। किंतु हमारे पास इसके लिए, और जो शुक्ला जी कहते हैं, बाकी लोग कहते हैं, हमारे पास इस मेरा एक सवाल है आपसे, इस संवैधानिक कर्तव्य के लिए, मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक नीति की आवश्यकता है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, कल को मैं ट्विटर में अपने अकाउंट पर लिख दूं कि कोई मुस्लिम मुझे फॉलो ना करे, तो आप किस पर कार्रवाई करेंगे? मुझ पर कार्रवाई करेंगे कि जो ट्विटर का मालिक है उस पर कार्रवाई करेंगे? तो इसमें एक नीति होने की आवश्यकता है, इसमें कोई नीति है नहीं ना। इसीलिए जो 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 आपके 99 acres वाले हैं वो स्वयं हमारे पास आए, हमने उनको समझ भी नहीं अभी इश्यू किया है, क्योंकि हमने इस पे ये अभी हमें शिकायत अभी मिली है, इस पे हम गौर कर रहे हैं। हम अपने जो जो मेंबरान हैं, संसद हैं हमारे आयोग के, उनसे भी विचार विमर्श कर रहे थे कि वो आए, स्वयं आए और क्षमा मांगी उन्होंने। तो ये बात भी स्पष्ट होना चाहिए कि इसमें अगर नेगेटिव बातें भी हैं, पॉजिटिव भी बातें हैं, लोगों को एहसास हुआ। एक और बहुत पॉजिटिव बात है कि आप इस पे डिस्कशन कर रहे हैं, इस पे वार्तालाप कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है ना, देखिए मौलाना साहब हमारे साथ दिन भर, मौलाना साहब हर एक चैनल एक वेबसाइट ने ऐड छाप दिया, आलोचना हुई है, उसके माफी मांगने से क्या बात खत्म हो जाती है? या आपको लगता है कि यहाँ से बात शुरू होनी चाहिए और इसको ऊपर तक जाना चाहिए जब तक ये मामला पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सके? खाली माफी मांगने से इस मसले का हल नहीं होगा, उसमें इस बात को इंश्योर करना होगा कि उस कॉलोनी में अगर कोई मुसलमान मकान खरीदना चाहे तो उसको खरीदने दिया जाए और उसको वहां पे रहने दिया जाए। जो हमारे दोस्त बॉम्बे के बैठे हुए हैं, उन्होंने ये बात कही कि मुसलमान शायद इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता। कोई मुसलमान इस मुल्क में ऐसा नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन को ना माने या कॉन्स्टिट्यूशन को ना फॉलो करे। और जहां तक इन्होंने इशारा यूनिफॉर्म से भी कोर्ट की तरफ दिया है, इसमें सिर्फ मसला मुसलमानों ही का, उसमें सिर्फ मुसलमानों, उसमें 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 से मामला मुसलमानों का नहीं, बल्कि बहुत से ट्राइबल कानून आज भी ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान में चल रहे हैं। और जो आपने बकरा जबा करने की बात कही है, तो हमारे मुल्क में जो कि अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है, अगर उसमें कोई ऐसी कॉलोनी है जहां पर हमारे कुछ वेजिटेरियन हिंदू भाई रहते हैं और जिनको कि इस बात पर एतराज है कि उनके सामने बकरा बकरीद के मौके पर ना जबा किया जाए, तो मुसलमानों को इस बात का ख्याल प्लेस पे जबा ना करें, बल्कि इसके लिए जो अलग स्लॉटर हाउसेस बने हैं वहीं पर ले जाकर के बकरीद के मौके पर भी जबा करना चाहिए। अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है तो उसको अपनी गलती का एतराफ करके उसमें सुधार करने की जरूरत है। प्रेम शुक्ला, जल्दी से अपनी बात कहिए, फिर हम नवीन रहेजा के पास चलें। मैं आपको बता दूं कि हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर नसीम खान है, वो जबरन कराते हैं। बड़ी मेरी आपसे विनती है कि उनसे आप जो है प्रार्थना करें कि मेरी सोसाइटी को बचाएं। महाराष्ट्र के माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मोहम्मद आरिफ नसीम खान, वो मेरी सोसाइटी में जबरन कराते हैं अवैध। हम कुछ नहीं कर पाते, हम कहां जाएं? हम मेजोरिटी के लोगों को कहां न्याय मिले? कृपया बताएं। जहां तक मजहब इस्लाम का ताल्लुक है तो उसमें किसी को मैं सोसाइटी की तस्वीरें भेज सकता हूँ, लोगों की आपत्तियों की भाई पत्र भेज सकता हूँ, हमको न्याय अदा करना मुनासिब नहीं है। इस वजह से चाहे कोई मिनिस्टर शिवसेना प्रवक्ता कह रहे हैं, बीएमसी डज नॉट लिसन टू शिवसेना, आपकी है बीएमसी ये मामले में देखती है। नसीम खान शायद गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए, हम कोई डिफेंड नहीं कर रहे उसको, पर नसीम खान गलत कर रहा है तो बीएमसी एक्शन लेगी। तो बीएमसी को आपने पिटीशन लिखा है, मुझे दिखाइए ना पिटीशन कहाँ है।
दे दीजिए बीएमसी को दीजिए, और अगर एक्शन ना ले तो आप तमाम सोसाइटियों की शिकायतें मिल सकता हूँ। बीएमसी को दी होंगी ना, तो आप क्यों नहीं करवाते? आपकी तो है बीएमसी, शिवसेना की है, नहीं है क्या? आप कह रहे हो बीएमसी वाले आपकी बात नहीं सुन रहे? हमारे साथ नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं नवीन रहेजा। प्रेम शुक्ला जी, देखिए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, या तो मान लीजिए कि मामला राजनीतिक है, तिनका तार नहीं बन रहा, और अगर आपको लगता है कि राजनीतिक नहीं है, तिनका तार बन रहा है, तो फिर सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए कि नहीं? हम सॉल्यूशन की तरफ बात करना चाहें तो किससे करें? वो फोरम बताइए ना। माइनॉरिटी की शिकायत तो माइनॉरिटी कमीशन में हो गई, एक्शन हो जाएगा। मेजॉरिटी की शिकायत कहां होगी? मेजॉरिटी की शिकायत जो है, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि आपको शिकायत अगर करनी है तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूं कि इस मामले में, ये स्पेसिफिक मामला आपने बोला, ये तो इस पे कार्यवाही बीएमसी करती है, तो आपने बीएमसी को बोला, तो बीएमसी जो शिवसेना की है वो क्यों एक्शन नहीं ले रही? आप वो भी समझा दीजिए मुंबई के लोगों को। बहुत सारी चीजें जो है बीएमसी के लोग क्यों नहीं कर रहे इसके खिलाफ? हर साल ये होता है, हर बार बकरीद की समस्या होती है। आप कृपया मुंबई में आए, आपको बहुत सारी सोसाइटीज के लोगों की समस्याओं से हमारे साथ एक्शन नहीं लेते। नवीन रहेजा, आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको इस समस्या का नजर आता है? ये मुंबई से आज शिकायत कर रहे हैं, दिल्ली में सैकड़ों लोग ऐसी शिकायत करते हैं, ये अलग बात है, वो किसी वेबसाइट पर नहीं छपती। ये प्रश्न मुझसे है क्या? नवीन रहेजा, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। देखिए दिल्ली में ये जो मुंबई का जो वाकया हुआ है, ये जो मुंबई का वाकया हुआ है, अगर हम दिल्ली में या इंडिया के और पार्ट्स में भी देखें, और खास करके मेट्रोपॉलिटन जो लार्जर सिटीज हैं, यहाँ पर आम, आप बिल्कुल आम तौर पे देख सकते हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज हैं, कोई सोसाइटी कश्मीरीज के लिए बनी हुई है, कोई गुजरातीज के लिए बनी हुई है, कोई बिहारीज के लिए बनी हुई है। ये एक बड़ा नॉर्मल सा फिनोमिना है, जो कि इनिशिएशन में लोग आपस में खुद सोसाइटी बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, डीडीए से लैंड लेते हैं और उसको डेवलप करते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जो अपार्टमेंट है जिसके अंदर आदमी रहता है, अपार्टमेंट को क्या मालूम कि इसके अंदर जो आदमी रह रहा है वो हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है। अपार्टमेंट्स के अंदर बेसिकली जो डेवलपर्स हैं आज की डेट में, डेवलपर्स को इस बिल्कुल इशू में नहीं जाना चाहिए, जहां तक ये प्राइवेट डेवलपर्स का सवाल आता है। हम लोगों को मैक्सिमम ये देखना चाहिए कि हम सभी धर्मों को इन्वाइट करें, और एक एक कंट्री हमारा कंट्री है जिसमें हर तरीके के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर रिलीजन के भी लोग हैं, और हर स्टेट के भी डिफरेंट लोग हैं। कईयों की भाषा अलग है, कईयों का रहन सहन अलग है, कईयों का खान पान अलग है। तो हम लोगों को सिर्फ ये देखना चाहिए कि हम अपार्टमेंट जो बनाते हैं वो अपार्टमेंट में सुविधाएं ऐसी हों जो सबको सूट करती हों। ये इंडिया में ही ये चीजें देखने को मिलती हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आता है आज दुनिया कहाँ चली गई। पूरे वर्ल्ड में आप देखें, यूएई में ऐसा नहीं होता। क्वालिटी की बात करते हैं लोग, सुविधाओं की बात करते हैं। नो, यूएई में कोई ऐसा नहीं है। हम यूएई में आप देखें जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें हिंदूज भी रहते हैं, जो हमारे एक्सपैट्रिएट्स हैं वो भी रहते हैं, वो इन्वाइट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, रशियंस भी आ रहे हैं, चाइनीज भी आ रहे हैं, इंडियंस भी आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और एक ही अपार्टमेंट ब्लॉक के अंदर आके सेटल करते हैं। इससे बल्कि आपका वर्ल्ड में जो है आपस में एक्सचेंज होता है, आपको दूसरे लोगों की खान पान, वेशभूषा, भाषा, रहन सहन, उन्होंने मान लिया कि पैसा बड़ा धर्म है। दुनिया है वो बल्कि तरक नहीं, इसमें क्या होता है जी कि पैसा गर्म की बात नहीं है। आज दुनिया जो है एक परिवार है खुद ही। आज पूरे ग्लोब के अंदर आप सब लोग मिलकर काम करते हैं। आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में अगर इंटरनेशनली जाके देखते हैं तो एक ही फैक्ट्री में 10-20 डिफरेंट कंट्रीज के लोग आके काम करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंट कंट्रीज के लोग आके रहते हैं। तो ये हमारे देश में इस बात को करना, इसको तवज्जो देना या इम्पोर्टेंस देना कि यहाँ पे हिंदू, चलिए आप जो बात कह रहे हैं रहेजा जी, हम वापस आते हैं इस पहलू को लेकर।
और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए कि ऐसी परिस्थिति में समाधान क्या है, क्या राजनीति इसकी जिम्मेदार है जो मुंबई को मुजफ्फरनगर बनाने की कोशिश कर रही है, या फिर वाकई हम व्यावहारिक जीवन में भी इस तरीके से बढ़ चुके हैं कि ऐसी बातें कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती हैं हमारे अंदर की।